हेलो सर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषा वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताया जाएगा खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। इसमें टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जो प्रश्न हैं सभी पूछे गए हैं प्रश्न। खास बात यह है कि इसमें 1990 से 2021 तक जितने भी परीक्षाएँ हुए हैं सब इसमें दिए गए हैं प्रश्न। ये पुस्तक है जो है पर्यावरण का है, खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, 200 DU हो जाने पर। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो ये सब सभी है, सभी जिम्मेदार हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, ऑप्शन बी सही है। जीन बैक्टीरी स्टेफ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो ऑप्शन बी सही है, 1994। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इन्फ्रारेड रेडिएशन होता है, ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ओजोन परत होता है, ऑप्शन सी सही है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन ए सही है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन स्तर, ऑप्शन बी सही है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है यूपी टेट की परीक्षाओं में। निम्न में से कौन विश्व उष्मायान का कारण है? देखिए यूपी टेट 13 नवंबर 2011 ग्यारह देखिए पूछा कई बार है। तो निम्न में से कौन विश्व उष्मायान का कारण है? तो ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व उष्मायान के लिए निम्न से कौन एक कारक है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, वाहनों से निकली गैसें। सही कथनों को पहचानिए, 2016 में पूछा गया है। तो वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन सी सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त
उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग 1%। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है, मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस, हरित गृह गैस नहीं है? SO2। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम होगा तो ऑप्शन ए सही है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का नाम? ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 26। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? तो ऑप्शन बी सही है, O3। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है तो CO2। ऑप्शन बी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पैरा बैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो आयन समताप मंडल। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? उपर्युक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 31। ताजमहल की पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा हुआ। मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन डी वनों को जलना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसॉल कैन का उपयोग। तो ऑप्शन डी दिया है सभी। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो प्रश्न है खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये 1990 से 2021 तक 30 वर्षों तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है इसमें।